दोस्तों, अगर आप भी अपने खाली जगह, जमीन या छत पर BSNL, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल या फिर जियो का टावर लगवाना चाहते हो तो इसके लिए कंपनी में अप्लाई कैसे करोगे आप या कंपनी से कॉन्टेक्ट कैसे करोगे आप, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हम जान ही चुके हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए टावर लगवाने के लिए। आपके पास डॉक्यूमेंट अगर सारे अवेलेबल हैं तो फ्रॉड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है और आपके पास कितनी जगह या ज़मीन होनी चाहिए टावर लगवाने के लिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जाना है दोस्तों हमने अपने लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक नहीं देखा आपने तो फटाफट जाके आई बटन पे क्लिक करके पहले पहला वाला वीडियो देख लो, तब आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो पहला वाला वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे आप अगर आप BSNL, वोडाफोन आइडिया, जियो या एयरटेल का टावर लगवाना चाहते हो। तो देखो यार, BSNL हो, वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो या फिर एयरटेल हो, कंपनी डायरेक्ट अपना टावर नहीं लगाती, इसके लिए एक थर्ड पार्टी कंपनी को ये ऑर्डर देती है और वो सारी कंपनी मिलके टावर लगाते हैं। तो थर्ड पार्टी कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आती है, देखो एक तो आता है इंडस टावर जो टावर लगाता है, दूसरा है GTL इंफ्रा और तीसरा है ATC टावर, ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ATC टावर। तो सारे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में दो लोगों ने कमेंट भी किया था कि सारे वीडियो का प्रोसेस एक ही वीडियो में बता दो, तो सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको अगर टावर लगवाना है तो सीधा सीधा गूगल में जाओ, गूगल में सर्च करो GTL इंफ्रा, फटाफट GTL इंफ्रा सर्च करोगे, इसकी ऑफिशियल साइट ये फर्स्ट नंबर पे आ गई, खोल दो। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफिशियल साइट की डायरेक्ट साइट पे भी पहुंच सकते हो आप। तो यहाँ पे दिया हुआ है एयरटेल, BSNL, जियो, टाटा कम्युनिकेशन और वोडाफोन आइडिया का, इनका कॉन्टैक्ट है GTL इंफ्रा वालों का और इन्होंने 26,000 प्लस टेलीकॉम टावर सब तक लगा लिए और सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हो। हमें तो सीधा टावर का फॉर्म भरना है, तो सीधा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर लेंगे यहाँ ऊपर आके। तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे मोबाइल फ़ोन में खुल गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है तो फटाफट यहाँ देखो इनके हेड ब्रांच जा सकते हो आप, हेड ऑफिस इनका मुंबई महाराष्ट्र में है, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो यहाँ जाके, या फिर मोबाइल फ़ोन से फ़ोन कर लो आप इस नंबर पे। यहाँ पे नंबर आपको शो हो रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो नंबर शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, या फिर आप इधर आ जाओ साइड में, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स गेट इन टच। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम भरोगे, उसके बाद ईमेल आईडी भरोगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ इंक्वायरी में टेलीकॉम सर्विस डालोगे, उसके बाद मैसेज में लिख लेना हमें टावर लगवाना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। कंपनी डायरेक्ट आपको कॉल कर देगी जैसे ही आपके एरिया में टावर की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो GTL इंफ्रा का प्रोसेस समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इंडस टावर का, इंडस टावर के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे। सबसे पहले इंडस टावर की ऑफिशियल साइट पे आपको आ जाना है, गूगल में सर्च करोगे इंडस टावर, कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने और यहाँ पे नीचे आओगे, इसको कट कर दोगे यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर आओगे साइड में, एकदम टॉप में राइट हैंड कॉर्नर पे, एकदम टॉप पे यहाँ पे लैंड ऑनर लिखा हुआ है, लैंड ऑनर पे क्लिक कर देना। जैसे आप लैंड ऑनर पे क्लिक करोगे ना यार, नीचे आ जाना, तो यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर योर प्रॉपर्टी विथ इंडस टावर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे अपना फॉर्म भर देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के कन्फर्म एंड सेंड OTP ऑन योर मोबाइल नंबर। तो इतना करके मैं कन्फर्म कर देता हूँ, OTP डाल के सब कन्फर्म कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आता है। अब हमने सारा डिटेल भर दिया, OTP डाल दिया और जैसे OTP डाल के कन्फर्म किया ना, तो यहाँ पर आ गया है एड्रेस सेलेक्ट करने को, तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट रहेगा, आपको बस कन्फर्म लोकेशन कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म लोकेशन करोगे आपको नीचे ले आएगा फॉर्म और नीचे यहाँ पे आकर आपका लोकेशन का नाम डाल देगा, उसके बाद लिखा रहेगा आई एम ऑनर, ब्रोकर आर अदर्स। तो आपको ऑनर पे क्लिक कर देना अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टाइप बिल्डिंग है, प्लॉट है या फिर अदर है। तो हमारा बिल्डिंग भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, तो प्लॉट पर मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मैं अभी गाँव में हूँ, गाँव का लोकेशन डाल रहा हूँ, तो प्लॉट डाल दिया। ऑनरशिप में इंडिविजुअल हो या फिर ज्वाइंट में रहते हो, तो भैया हम इंडिविजुअल हैं। और कैटेगरी में रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल है, तो रेजिडेंशियल पे क्लिक कर देते हैं, अगर आपका कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल कर देना। तो उसके बाद और नीचे आके फिनिश्ड एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। फिनिश एंड सबमिट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग हुआ और फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। तो अब हमारा फॉर्म भर दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू, वन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो जल्द से जल्द आपको कॉल कर लिया जाएगा, जैसे ही आपके एरिया में रिक्वायरमेंट होगी टावर की तो ये इंडस टावर वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो इतना सा बस प्रोसेस है। अब इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट पे जाकर, जैसे कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप अगर दिल्ली से हो तो डायरेक्ट यहाँ दिल्ली पे ऑफिस पे चले जाओ गुड़गांव वाले इनके, और या तो फिर इनको टेलीफोन नंबर है कॉल कर लो, इस तरीके से भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे फॉर्म भर दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी तो देख लेंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यूपी ईस्ट से हो, ईस्ट से हो, यूपी वेस्ट से हो तो यहाँ क्लिक कर देना, राजस्थान से हो तो राजस्थान पर क्लिक कर देना, राजस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है। अगर आप
गुजरात से हो तो गुजरात पे क्लिक कर देना, गुजरात का, राजस्थान का, सबका नंबर यही लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर यहाँ पे जाके, और हेड ऑफिस भी लिखा हुआ है कहाँ कहाँ है, गुजरात में कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ईजिली आप देख सकते हो। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। अब बचा हमारा ATC टावर, तो सबसे पहले फटाफट फिर से आते हैं गूगल में, तो गूगल में आके फटाफट लिखते हैं ATC टावर, ATC टावर, इसकी ऑफिशियल साइट हम खोल लेते हैं। ऑफिशियल साइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस फिर से खुल गया। तो 78,300 साइट्स इन्होंने कवर किया है अभी तक, सबसे ज़्यादा तो इंडस टावर वालों ने किया है, फिर ATC इंडिया वालों ने किया है, फिर उसके बाद GTL इंफ्रा वालों ने किया है, सबसे ज़्यादा टावर लगाए। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है यहाँ पे आके देख लेते हैं। तो ATC टावर वाले पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ 3 लाइन बनी हुई है, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ टॉप पे बना था, और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑनर वाले पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ प्रॉपर्टी ऑनर वाले पे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग साइट ऑनर और प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी ऑनर, एग्जिस्टिंग साइट ऑनर पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे चले आएंगे नीचे। नीचे यहाँ ईमेल आईडी लिखा हुआ है land.india@ATCTower.in, इस पर आप मेल कर देना कि हमें भैया टावर लगवाना है, हम किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करें, तो कंपनी का मेम्बर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। या तो एक ऑप्शन और है, मैं वो वाला ऑप्शन बता दूँ, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना। आप कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे सारे एरिया के हेड ऑफिस का नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप गुड़गांव से हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई, मुंबई से हैं तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है, आंध्रा से हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आसाम से है तो इस नंबर से कॉल कर लीजिए, बिहार झारखंड से है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, दिल्ली से है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, गुजरात वाले हैं तो यहाँ पे देख लें, कर्नाटक यहाँ पे, केरला यहाँ पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर डायरेक्ट उनकी हेड ऑफिस पे जाइए, इनके हेड ऑफिस पे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। महाराष्ट्र और गोवा वाले इस नंबर पे कॉल करेंगे, और उड़ीसा वाले इस नंबर पे, पंजाब इस नंबर पे, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट, वैसे उत्तर प्रदेश वालों में देखो नोएडा में वेस्ट वालों का हेड ब्रांच है, और ईस्ट में लखनऊ में ही है हेड ऑफिस, और वेस्ट बंगाल वाले इस नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो इस नंबर पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब क्लिक मतलब ये मत कह देना कि क्लिक करने को आपने कहा है। तो इस तरीके से आप इजीली फॉर्म भर सकते हो, मैंने तीनों चीज़ें बता दिया। अगर आपको फॉर्म भरने में फिर भी कहीं भी तकलीफ होती है तो फटाफट यार कॉल करो, क्या दिक्कत है, मैं फिर से रिप्लाई दे दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको इंडस टावर का फॉर्म भरना हो, या फिर GTL इन्फा का भरना हो, या फिर इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना हो ATC टावर वालों को, कहीं भी है आप कॉन्टैक्ट करो ईजिली, आप एक बार ट्राई तो करके देखो। तो भाई आपको सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा अब तक, आप चाहे इंडस टावर का मामला हो, या फिर ATC टावर का मामला हो, या फिर GTL इंफ्रा का, तीनों टावर इजीली इस तरीके से लगवा सकते हो। अगर आपके पास खाली जगह पड़ी यार तो उसका यूटिलाइज़ करो, किराया लो मस्त, 15,000 से 20,000, कभी कभी 25,000 भी मिल सकता है किराया, 10,000 भी मिलता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका छत खाली पड़ा है तो फटाफट जाके छत पे टावर लगवाओ, प्लॉट खाली पड़ा है तो प्लॉट पे टावर लगवाओ, थोड़ा पैसिव इनकम बनाओ यार, पैसिव इनकम जनरेट करो। तो इस तरीके से आप इजीली टावर लगवा सकते हो दोस्तों। बस अगर वीडियो नहीं देखा, फिर से बता दे रहा हूँ, तो फटाफट जाके वीडियो देख लो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।